साथियों, सबसे पहले मैं सलाम करता हूं इन चार महिलाओं को जिन्होंने इस देश के पूरे महिला वर्ग को ही नहीं बल्कि देश की सरकार को भी रोशनी दिखाने का काम किया है कि महिला जब खड़ी होती है अपना इंसाफ मांगने के लिए तो उसके साथ कैसे लोग खड़े होते हैं। मैं सल्यूट करता हूं आपको। आज जिस तरीके से इस मुल्क में आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, नजीब को 3 साल हो गए उसके बारे में अता पता नहीं, नजीब की मां दर दर भटक रही है और हमारी पुलिस, हमारे देश की सीबीआई, हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, जिन पर हम सबको गर्व है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल है, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सियासी दबाव काम कर रहा है कि वो अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा पाए। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का पड़ोस, बाउंड्री लगी हुई सियाना के अंदर, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसा जाबाज पुलिस ऑफिसर जिसने, मैं समझता हूं, अपनी शहादत तो दी लेकिन इस दिल्ली के एनसीआर के नजदीक बुलंदशहर के अंदर एक बहुत बड़ा नरसंहार होने से बचाने का काम शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने किया। और हम सुबोध कुमार को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। गौरी लंकेश की बहन कविता यहां है, मेरा गौरी से कई बार मुलाकात हुई, चर्चा हुई। जब मैं बेंगलोर जाता था तो एक कॉमन फ्रेंड सर्किल थे जिस पर हम जिसमें हम मिलते थे। आज क्या हो गया है इस देश, मुझे अफसोस इस बात का है। जब गौरी की हत्या हुई तो मैंने एक बहुत बड़े अपने आप को जो टेलीविजन एंकर समझते, मैंने उनको कहा लाइव शो में, मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी ये कुली आज इस देश पे नहीं है, उसकी हत्या हो जाती है और आप हत्यारों को डिफेंड करने का काम टीवी चैनल पर कर रहे हैं। ये सब लोग, मैं यहां पर एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से नहीं आया, मेरा एक अंदर का जो एक्टिविज्म है वो मुझे खींच करके यहां आपके बीच लेकर आया। मैं अपने आप को तबरेज अंसारी की जो हत्या हुई उस सवाल को मैंने लोकसभा में उठाने का काम किया था और मैंने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ इस देश में कानून बनना चाहिए। आप जो है पार्लियामेंट के पहले सेशन में एक से एक बिल रोज नए बिल ला रहे, रोज नए कानून बना रहे, लेकिन मॉब लिंचिंग के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पारित किया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में कानून बनना चाहिए, हमारी सरकार को उसके खिलाफ कानून लाने में कोई दिलचस्पी नहीं। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि आज जो हमारी मां नजीब की मां, जो गौरी लंकेश की बहन, तबरेज की अहलिया सुबोध कुमार साहब की पत्नी यहां पर मौजूद है, ये रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। हम आपके इस संघर्ष में
दानिश अली एज अ मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा आपके इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके आपके साथ सब एक्टिविस्ट के साथ आगे चलने का काम करेगा। और जब पार्लियामेंट सेशन में मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था और आगे भी उठाऊंगा कि जिस तरीके का माहौल इस देश में बन रहा है, आज नजीब गायब हुआ है, कल को दानिश अली भी गायब हो सकता है। जो फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। आप कितने नजीब को गायब करोगे, कितने सुबोध कुमार को शहीद करोगे? एक नजीब, एक सुबोध कुमार, या एक तबरेज अंसारी, या एक कविता, एक गौरी लंकेश की कलम को आप तोड़ोगे तो 1000 उसके बदले पैदा होंगे। और ये जो नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज के जो देश का भविष्य है जो यहाँ पर मौजूद है, ये लोग इस देश को नया रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जब ये जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी आंदोलन में अभिजीत बैनर्जी भी ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे, उनको भी तिहाड़ जेल भेजने का काम किया, लेकिन आज उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से कितने नोबेल विनेट बनेंगे, कितने बड़े आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कितने लोग इसमें से देश की के बड़े नेता बनेंगे जो आने वाले वक्त में इस देश को चलाएंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहते हुए कि ये भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, ये मिली जुली संस्कृति का मुल्क है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क का ताना बाना बना है। उस ताने बाने को हम बरकरार रखने के लिए किसी कीमत पे भी इस मुल्क के ताने बाने को बिखरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इस संकल्प के साथ कि हम इस जंग को, इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।